पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। बम्बई जाता है, दुबई तक मेरा लिट्टी गया है। क्या बिल्कुल यूनिक तरीका है धूल साफ करने वाले हम नेपाल से, लिट्टी में कितना सारा धूल लग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको एमके ब्लॉग्स पटना में स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से आप सबके लिए हम फूड ब्लॉग लेकर के आए हैं। ये फूड ब्लॉग ऐसा है, इसको सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये लिट्टी चोखा का फूड ब्लॉग आज लेके आए हैं हम। आज हम हैं बीरचंद पटेल पथ रोड पे, देख सकते हैं इधर रोड है, और ये आरजेडी ऑफिस के सामने लगाते हैं लिट्टी चोखा का स्टॉल। और बहुत ही यूनिक तरीका है इनका बनाने का, और पूरा मेकिंग से लेके हम खाने का टेस्ट तक आप सबको दिखाने वाले हैं कि कैसा इनका टेस्ट रहता है, कैसे बनाते हैं। बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें उपला भी बोला जाता है, गोइठा भी बोला जाता है, बहुत बिहार में गोइठा बोला जाता है, उसी पे ये अपना लिट्टी चोखा पूरा बनाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। गोइठा लाया जा रहा है, ये देखिए, अब ये बड़े से कढ़ाई में गोइठा, जिसको उपला भी बोला जाता है, इसको अभी यहाँ पर सजाया जाएगा, फिर इसमें आग लगाया जाएगा। ये इसे अच्छे तरीके से सजाकर जलने के लिए छोड़ दिया गया है। ये अब इसमें बैंगन डाला जा रहा है, बैंगन और टमाटर। यहाँ बिल्कुल गांव के तरीके से लिट्टी चोखा पकाया जाता है, देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे गोइठा जल रहा है और उस पर बैंगन डाला जा रहा है। ये कितने टाइम में पक जाएगा? अच्छा, ये फ्रेंड्स आधा घंटा में पक जाएगा। ये देखिए पका हुआ टमाटर और बैंगन निकाला जा रहा है। यहाँ सारे बैंगन और टमाटर निकाल लिए गए हैं, और ये धो धो कर अच्छे साफ करके छील के रखा जा रहा है चोखे के लिए। देखिए चोखा मसला जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है टमाटर और बैंगन को। फ्रेंड्स, इसमें आलू डाला जा रहा है जो घर से पका के और छील के लाए थे साफ सुथरा। देखिए ये देखिए, इसमें आलू, टमाटर और बैंगन तीनों मिक्स किया गया है। ये अब आ गया कच्चा सरसों का तेल। ये चोखा 10 मिनट मसलने के बाद, मिक्स करने के बाद ऐसा तैयार हुआ है। ये देखिए आ गया नमक, ये आ गया लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये आ गया कटा हुआ हरा मिर्च और लहसुन। ये यहाँ पे सत्तू निकाले हैं लिट्टी में भरने के लिए। ये इसमें मिक्स अचार है ना, इसमें ये आ गया नमक, ये आ गया गोल मिर्च, गोलकी जिसको बोलते हैं, ये आ गया जमाइन और मंगरेला, यह हरा मिर्च और ये लहसुन कटा हुआ, ये आ गया सरसों का कच्चा तेल। फिर सत्तू मिक्स कर रहे हैं सारा कुछ डाल के। 5 kg सत्तू का मिक्सर तैयार हो गया है लिट्टी के लिए। ये लिट्टी के लिए आटा आ गया है जो लगभग 5 kg होगा। इसमें अमूल का घी भी डाल रहे हैं। ये अब लिट्टी बनाया जा रहा है। अब ये गोइठा के आग में लिट्टी डाला जा रहा है। ये वही आग है जिसमें बैंगन और टमाटर पकाया गया था। ये देख सकते हैं अभी डाले ही हैं और इसको पलटना शुरू कर दिए हैं क्योंकि जले ना। तो ये जो भैया लिट्टी जो बना रहे हैं, इनसे आइए बात करते हैं, ये कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है निक्कू सर। कितने टाइम से आप यहाँ पे लिट्टी बेच रहे हैं? लिट्टी हो गया सर, 9 साल हो गया। अच्छा, 9 साल से बेच रहे हैं। जी जी। क्या प्राइस रखे हैं आप लिट्टी चोखा प्लेट का? लिट्टी है 30 रुपये का दो है, घी में 35 रुपये का दो है। अच्छा। हम 20 रुपये लिट्टी बेचते आ रहे हैं, 20 से अभी 35 तक गए। लोकेशन अपना बता दीजिएगा। लोकेशन आरजेडी कार्यालय के 2 बस का आगे पीछे है, आरजेडी कार्यालय, बीरचंद पटेल, अस गार्डन रोड। और ये देखिए इनका एकदम बिल्कुल गांव के जैसा ही पूरा सेटअप, गांव जैसा ही है। ये गोइठा लाते हैं
और यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कितना सारा लिट्टी डाल चुके हैं। आपके यहाँ पूरा दिन में कितने लोग आते हैं खाने? कस्टमर का मेरे पास कमी नहीं है सर, मेरे को में कमी। अच्छा, मतलब आप दे नहीं पाते हैं सारे कस्टमर को? क्या दे नहीं पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। और कहाँ कहाँ तक आपका लिट्टी गया है? लिट्टी तो सर बहुत दूर दूर चला गया, बम्बई जाता है, दुबई तक मेरा लिट्टी गया है, कलकत्ता चला गया है, गुजरात महाराष्ट्र सगर गया है। अच्छा, भारत में सब जगह गया है और बाहर में दुबई तक गया है। ये देखिए सारा लिट्टी अपना इस कढ़ाई में आ गया है। अब ये देखिए आग में पूरा लिट्टी को मिक्स किया जा रहा है, ऊपर नीचे से एकदम मिक्स कर दिया जाएगा ताकि एकदम अच्छे से जहाँ पे नहीं पका है वहाँ पे ही पक जाए। ये देखिए लिट्टी में कितना सारा धूल लग चुका है, लेकिन अभी इनका एक यूनिक तरीका है जिससे ये धूल को साफ़ करते हैं। इनके यहाँ का सबसे यूनिक तरीका वही है धूल साफ़ करने का। ये देखिए सारे पके हुए लिट्टी बोरा में डाला जा रहा है। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही इनका बिल्कुल यूनिक तरीका है धूल साफ़ करने का लिट्टी से। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, लिट्टी निकाला जा रहा है, जो देख सकते हैं कि धूल एकदम निकल चुका है, साफ़ हो चुका है। अब इधर इसको घी में डुबोया जा रहा है, जो कि अमूल का घी था उसमें एकदम अच्छे से डुबोया जाएगा लिट्टी को, एकदम अच्छे से डाला गया है। देखिए तो यहाँ पे अंकल जी खा रहे हैं लिट्टी चोखा यहाँ का, इनसे बात करते हैं और जानते हैं टेस्ट कैसा है। अंकल जी अपना नाम बताइएगा। सुनील कुमार डालमिया। अच्छा, यहाँ का लिट्टी चोखा का टेस्ट बताइए कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। कहाँ से हैं आप रहने वाले? हम नेपाल से। अच्छा, नेपाल से आप लिट्टी चोखा खाने आए हैं क्या? हाँ, हम आए थे घूमने। अच्छा, तो यहाँ का हम देखे थे तो खाने के लिए सबसे इच्छा हो गया तो बैठ गए। कैसे जाने थे यहाँ का लिट्टी चोखा के बारे में? यूट्यूब में देख के ही जाने थे। अच्छा, यूट्यूब देख के ही जाने है ना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट है, लोग नेपाल से भी आ रहे हैं तो यहाँ लिट्टी चोखा खाने आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरे फैमिली आए हुए हैं खाने के लिए, जो कि घूमने आए थे नेपाल से पटना बिहार, तो सारे लोग यहाँ पे लिट्टी चोखा खा रहे हैं। बाबू नाम क्या हुआ? माधव। लिट्टी चोखा पसंद है क्या? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा। देखिए बच्चा भी बोल रहे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। देख सकते हैं सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे लिट्टी चोखा। ये आ गया है अपना लिट्टी चोखा, अब इसको खाते हैं और टेस्ट बताते हैं कैसा है। ये देखिए कितना आसानी से टूट गया है, ये पूरा अमूल का घी में डुबोया हुआ है। ये हुआ इनका चोखा। लिट्टी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और जगह से बेहतर है। इसमें चोखे में धनिया पत्ता का टेस्ट आ रहा है, और कच्चा सरसों का तेल जो डाले थे ना एकदम अच्छे से उसका टेस्ट आ रहा है, और सारी चीज़ों का टेस्ट अच्छे से आ रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और पटना में रहते हैं या पटना कभी आना होता है तो इनके यहाँ का लिट्टी चोखा ज़रूर टेस्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में और अगले नए लोकेशन पे। धन्यवाद फ्रेंड्स।